वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पद्मनी फ्रॉम पद्मनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बढ़िया सिंपल और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स से लेके ही हूँ हेयर टॉनिक, जिसे आप अपने बालों में यूज करके बालों को एकदम काले, घने और लंबे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ये बिल्कुल फ्री होती है YouTube की तरफ से। सो फ्रेंड्स, हमारे बाल जो है समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं, साथ ही बाल एकदम ड्राई हो रहे हैं, झाड़ू जैसे हो रहे हैं। सो उसे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सिंपल आज मैं लेके आई हूँ फेनुग्रीक सीड्स नुस्खा, जो कि हिंदी में बोलते हैं मेथी दाना, और ये बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें होती है निकोटिनिक एसिड कंटेंट, जो कि बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ये बालों की झड़ना यानी हेयर फॉल को रोकती है, साथ ही डैंड्रफ से छुटकारा दिलाती है, और ये ड्राइनेस से हमारे बालों को बचाती है, बालनेस से बचाती है, यानी आपके बाल झड़ रहे हैं और एकदम पच्चेस हो गए हैं बालों की झड़ने से, तो उससे भी ये आपको बचाएगी, साथ ही ये आपकी हेयर को ग्रोथ कराएगी। और ग्रोथ कराने के साथ साथ, क्योंकि इसमें होती है निकोटिनिक एसिड जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिव करती है, सो इससे बाल बढ़ते हैं और ये बालों को एकदम शाइनियर बनाती है, हेल्दियर बनाती है। सो इससे हम बालों को कैसे काले करेंगे, सो इस तरह से मैंने ली है एक लोहे की कढ़ाई और मैंने इसमें ऐड कर लिया है 2 ग्लास यानी 2 ग्लास पानी, और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने मेथी दाने डाले हैं जो कि ड्राई है, और उसे इंस्टेंटली हमें गर्म करना है, इस तरह से बॉयल करना है और 5 to 10 मिनट्स हमें बॉयल करना है। तो आपको दिख रहा होगा एकदम से मेथी अपना रंग जो है छोड़ने लगा है, और जब तक मेथी दाना एकदम फूल जाती है और पानी बॉयल हो जाती है हमें तब तक उबालना है। और फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा लोहे की कढ़ाई में उबलने से हमारे इस टॉनिक में आयरन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे कि ये हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, और ये एकदम धीरे धीरे इसकी कलर जो है ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उबल रही है। सो फ्रेंड्स, आयरन हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है और साथ ही बालों की जो बालों में जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसे भी पूरा करती है। सो इसलिए हमें एकदम 50 ng यानी 50 ml आयरन हर रोज़ चाहिए होती है बालों के लिए। सो इस तरह से अगर आप लोहे की कढ़ाई में बॉयल करेंगे तो आपको धीरे धीरे सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में जो हेयर टॉनिक है वो रेडी हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा एकदम धीरे धीरे काले हो रहे हैं, और उसे 10 to 15 मिनट्स इस तरह से बॉयल करना है पानी को हाफ होने तक, और उसे ठंडा कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये नेचुरली आपके बालों को काले बनाएगी, लेकिन आपको उसे कंटिन्यू करके, मतलब कंटिन्यूसली लगाते रहना है, और क्योंकि इसमें कोई भी कुछ ऐसा मिला नहीं है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में हम उसे उबाल रहे हैं, सो इस वजह से इसका पानी जो है एकदम डीप ब्लैक कलर की हो रही है। सो उस वजह से ये हमारे बालों को काले करने में मदद करेगी, साथ ही बालों को हेल्दी बनाएगी, स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी और बालों को ग्रो करने में मदद करेगी, बालों का झड़ना बंद हो जाएगी, बाल एकदम शाइनियर होंगे और सिल्कियर होंगे। सो इस तरह से मैंने पानी को जो ठंडा कर लिया है, आपको दिख रहा होगा कितनी ब्लैक कलर है उसकी, और उसे छन्नी से छान कर उसका पानी निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इस मेथी दाने को भी आप फिर से यूज कर सकते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी इसको यूज कैसे करना है। सो इस तरह से पानी निकाल लेंगे, और जब भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप अपने बालों को शैम्पू से धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें, और फिर उसके बाद उसे अप्लाई करना है बालों में, क्योंकि उसे अप्लाई करने के बाद आप शैम्पू यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बालों की रूट तक जाकर वो रह जाते हैं, जो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, इसकी कोई मतलब उसका कोई
काम नहीं होगा। इस वजह से आप पहले बालों को अच्छे से धो ले, साफ कर ले और फिर इस टॉनिक को अपने बालों में स्प्रे कर ले, और अच्छे से स्प्रे कर ले रूट तक और बालों की लेंथ में भी, और फिर उसे 1 आवर या फिर 2 आवर रहने दें, और उसके बाद आप अपने बालों को सादे पानी से धो लें, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग या फिर आप शाम को उसमें कोई सफ़ेद बालों को काले करने के लिए ऑयल भी मसाज कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे आप बालों को फिर से धो सकते हैं अगर धोना चाहें तो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और नेचुरल तरीका है, और ये डेफिनेटली आपके बालों को काले बनाएंगे। आप इसको करके देखिए और फिर आपको रिजल्ट मिलेगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।